नारायण 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 श्रीवल 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 नारायण 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 मरने की इच्छा करने से तो जल्दी मरता नहीं और जीने की इच्छा करने से विशेष समय तक जीता नहीं। तिल घटे नराई बढ़े, जिस समय मरना है उसी समय मरेगा वो, तो उस इच्छा करना तो व्यर्थ ही है। इच्छा करने से कोई कार्य किसी दिन तो होती नहीं। इच्छा करके अपनी बेइज्जती करानी हो तो करा लो। जब अपने को मालूम है कि ये चीज हमारे को मिलनी संभव नहीं, उसकी मांग पेश करनी मूर्खता है। अपनी बेइज्जती करानी है संसार के बीच के माँ। लोग नाना प्रकार की इच्छा करते हैं, कोई किसी की कभी दुख पीजा बाबा तो दूसरी है, किंतु इच्छा से थी कोई इच्छा की पूर्ति हो जाए, इच्छा करने से इच्छा की पूर्ति हो जाए संभव नहीं है। और इच्छा करने से हमारा कलंक लगता है, हमारा पतन हो जाता है, हमारे स्वार नुकसान के कोई भी फायदा नहीं है इच्छा करने से। तो ऐसी मूर्ता क्यों करनी चाहिए? अपने तो कोई बात की इच्छा करनी नहीं, जो कुछ हो रहा है बस अपना देखते रहो, जो कुछ हो रहा है देखते रहो। जो अनिच्छा से और परिच्छा से कार्य हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष के मां भगवान का विधान है, इसलिए जो भी कुछ हो रहा है इष्ट या अनिष्ट अपने सब के बीच के मां आनंद मानना चाहिए। यदिचा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्ध वसिद्ध से कृत्वा पीने निबद्धते। भगवान ने गीता में कहा चौथे अध्याय के 20 के श्लोक में ये बात कही कि यदिच्छा माने ईश्वर की इच्छा से जो भी कुछ आकर के प्राप्त हो जावे उसी में संतुष्ट रहना, यानी एक प्रकार से आनंद मानना, जो भी कुछ आगे प्राप्त हो जाए उसी में, पर द्वंद्व से रहित होकर रहना। द्वंद्व माने हर्ष शोक से रहित, राग द्वेष से रहित, सुख दुख से रहित, इस प्रकार से द्वंद्व से रहित होना और मत्सरता से भी रहित होना, ईर्ष्या भी किससे नहीं करनी। कार्य की सिद्धि असिद्धि में सम भाव रखना, ऐसा पुरुष कर्म कर करके भी नहीं बनता है। तो यह बहुत ही एक प्रकार से उच्च कोटि की बात है। फिर आपको मैं बता देता हूं अनिच्छा परिच्छा के
जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई भूमिकंप हो गया या कोई बिजली गिर गई और हमारे चोट आ गई, तो ये किसकी इच्छा हुई? किसी की नहीं, हरी इच्छा। इसके ऊपर हम दुख करें तो मूर्खता है। किसी का भी दोष नहीं है, ये दोष है एक प्रकार से हमारा। कोई भी कार्य अनिच्छा से या परिच्छा से होता है तो वो एक भगवान का विधान है। जैसे कोई डाकू ने आकर के हमारे चोट लगा दी और हमारे से रुपये छीन लिए, तो ये हमारा अनिष्ट हुआ। इसमें हेतु हुआ डाकू, डाकू की इच्छा से ये चीज हुई, तो ये परीक्षा से थी, हमारे पाप का भोग हुआ। तो परीक्षा से अनिच्छा से जो कुछ एक प्रकार से हमारे मन के विरुद्ध होता है उसमें भगवान का विधान है पहले से। तो भगवान का हुक्म मान करके और खूब ही खुश होना चाहिए इसके विषय पर। और स्वेच्छापूर्वक जो कार्य किया जावे वो भगवान की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। तीन ही तो इच्छा है, अनिच्छा, परिच्छा, स्वेच्छा। अनिच्छा और परिच्छा के मां तो हमारा कुछ बस भी नहीं चल सकता, और जो होना है सो अचानक हो जाएगा। हम चाहे दुख करें चाहे मन के मां सुख माने, वो तो जो अवश्य भावी होना है सो ही होगा। तो इसलिए हम लोगों को कोई बात की इच्छा करनी नहीं थी। इच्छा करना अपने कलंक लगाना है, अपना उसमें पतन है। तो क्या करना चाहिए कि भगवान के घर का 22 कोप हो रहा है, यानी भगवान के घर का ये एक लीला हो रही, तो इसको लीला समझ करके हर वक्त आनंद के मां मुग्ध होना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है संसार के बीच के मां, उसको भगवान की लीला समझ करके और क्षण क्षण के मां खुश होना चाहिए। तो बहुत ही ऊंचे दर्जे की बात है। और अपने द्वारा जो कुछ हो रहा है, जब तक अपने और पराये का ज्ञान है तब तक तो अपने द्वारा होने वाली क्रिया भगवान के हुक्म के अनुसार ही होनी चाहिए। के जो ब्राह्मणों के जो लड़के हैं क्या होनी चाहिए, और इससे भी ऊंचे दर्जे की चीज वो है कि हमारे द्वारा कोई क्रिया हो रही है तो उसके मां हम कर्ता बने क्यों? हमको तो दृष्टा साक्षी रह करके देखते रहना चाहिए। जैसे परीक्षा और अनिच्छा से होने वाले कार्यों को देख रहे हैं और हंस रहे हैं और ये मान रहे हैं कि भगवान का विधान है, ये भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है, भगवान एक प्रकार से हमारी परीक्षा कर रहे हैं कर्मों का फल भुगता करके। ऐसा समझ करके हमको हर वक्त खुश रहना चाहिए और अपने इच्छा से तो कोई काम करना ही नहीं, करना तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करना जो बंधन का हेतु न हो। हम भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं तो उसका फल भगवान की प्राप्ति है। कि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुवाप्स्यसि, हे अर्जुन मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, यानी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो देखो करना तो ऐसा ही कर। हमारे द्वारा होने वाली क्रिया
किस प्रकार से करनी चाहिए, जो कि हमारे मुक्ति देने वाली होए, कल्याण करने वाली होए। एक तो हम जो कर्म करें समभाव से करें, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ दया दयौ ततो युद्धाय युष्वे नैवं पापमापस्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में समान होकर के हे अर्जुन तू युद्ध कर, युद्ध को कर्तव्य समझ करके युद्ध के लिए युद्ध कर, तो फिर तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो एक तो ये बात, समभाव से कार्य करना चाहिए, कोई भी काम हो तो हृदय में समता रख करके करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, फिर भी आत्मा का कल्याण हो जाता है। हर की इच्छा का त्याग करके जैसे अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोती है, सन्यासी से योगी से न निर्गनी नचा करिए, जो कर्म के फल को न चाहता हुआ और कर्तव्य कर्म का पालन करता है वही योगी है और वही सन्यासी है। अग्नि के त्यागने वाला और क्रिया के त्यागने वाला ही योगी सन्यासी नहीं है। दूसरी बात यह है कि केवल क्रिया और अग्नि के त्यागने से ही सन्यासी नहीं होता है, मित्र का जो भाव है, मित्र में जो ज्ञान है और मित्र का भेद रखा जावे, मास्टर को संकेत किया जावे या खुद अपना भाव हो, उस भाव को लेकर के मास्टर लोग खातरी करे या किसी भी प्रकार से उसके मां भेद बुद्धि हुए या न फर्क हुए या एक प्रकार समता नहीं हुए तो वो निष्काम कर्म नहीं। तो इसी प्रकार से थी, समझो कि हम कहीं सेवा करने के लिए गए और सेवा के पैसों से उस समय के बीच के मां कोई भेदभाव हम रखें, ये तो एक प्रकार से थी हमारे सिद्धांत को मानने वाले हैं और ये अपने सिद्धांत को तो मानते नहीं, ये एक प्रकार से कांग्रेसी है, तो इनको हम क्यों ऐसा देवें, या ये बुद्धि हो कि भी कांग्रेसी को देना चाहिए क्योंकि इसको देने से गवर्नमेंट खुश होंगे, या इस प्रकार से कोई बुद्धि से देवें कि भाई ये तो नीच जाति के हैं, चमार बगे हैं, ये यदि मर भी जाए तो अपने क्या पति, अपने तो समझो कि अच्छे लोगों को मदद करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को ही मदद करो। हाँ यदि जो शूद्र जाति है, नीचे दर्जे की जाति है, उन लोगों में ये भाव है कि भी इनका तो रोजगार है, परिश्रम करके खा लेते हैं, अब क्षत्रिय की स्त्रियां क्षत्रिय लोग है वे बेचारे बाहर में निकलते नहीं, इस दृष्टि से उनके ऊपर अनुग्रह अधिक किया जा रहा है तो कोई दोष नहीं होता। वो हेतु ऐसा होना चाहिए कि एक प्रकार से विशुद्ध हो तो फिर कोई पाप नहीं। हम कहीं गए एक प्रकार से भूकंप आ गया, एक प्रकार से वहाँ कुआं बनाने के लिए, देखा भाई ये तो मुसलमानों का गांव है, मुसलमानों की संख्या बढ़ाने से अपने क्या फायदा है, अपने तो हिंदुओं के यहाँ कुआं बनाना है। तो ये जो भेदभाव है, इसमें समता नहीं है, तो वो निष्काम कर्म नहीं। निष्काम कर्म के बीच के मातु सब में समभाव होना चाहिए और जो ऐसा हेतु हो कि जिसके बीच के मां कोई भी एक प्रकार से दोष नहीं है, तो इस में कोई भी काम हो, सेवा का जो काम है उसमें सब में ही एक प्रकार से सकाम और निष्काम भाव रहता है। इसी को आप दान देते हैं, उसमें अपना कोई भी अंश में स्वार्थ है, किसी भी बात को लेकर के, जाति को लेकर के या देश को लेकर के कि ये हमारे देश का नहीं, जाति को लेकर के कि हमारी जाति का नहीं, इसको हम कम दें, तो जाति की हम पक्ष करें या अपने देश की पक्ष करें या अपने कुटुंब की पक्ष करें या एक प्रकार से थी हम इस बात की पक्ष करें, तब तो दोष है। और यदि यह पक्ष करें कि ये गरीब है, ये अपंग है, ये अनाथ है, ये जाति वैश्य जाति
यह एक प्रकार से मांगने वाली जाति नहीं है, ये एक प्रकार से क्षत्रिय जाति मांगने वाली जाति नहीं है, तो इस प्रकार का भाव रख करके यदि एक उसकी खाती रखी जाए तो कोई हर की बात नहीं। कोई समझो कि राजा साहब आए, कोई ठाकर साहब आए, और ये एक प्रकार से इनका रहन सहन के अनुसार इनकी खातरी करनी चाहिए, किंतु खातरी करके उससे बदले में किसी भी प्रकार की हम आशा करें, किसी भी प्रकार की एक से व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ हो या समष्टि स्वार्थ हो, तो एक प्रकार से वो निष्काम सेवा नहीं। तो बड़े आदमी के अनुसार उसकी खातरी की जावे, किंतु साथ के मां कोई प्रकार से पद को या रुपयों को या मान बढ़ाई को स्वार्थ नहीं है, तो वो निष्काम है। और जितना अंश के वहाँ मान बढ़ाई है, जितने अंश के बीच के वहाँ भावा की इच्छा है, जितने अंश के बीच के वहाँ समझो कि अपने कोई भी प्रकार को अपने संबंध को स्वार्थ है, तो उसके वहाँ दोष आ जाता है। तो हर एक प्रकार से मनुष्य को बच करके चलना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, बहुत सावधानी रखने पर भी कहीं छिप करके दोष आ ही जाता है। भीतर के वहां स्वार्थ का भाव रहने से, भीतर के बीच के वहां सकाम भाव रहने से, मन के वहां जो एक प्रकार की आसक्ति है, मन में जो एक स्वार्थ है, मन के वहां स्वाभाविक जो विषमता है, मन के बीच में जो एक पक्षपात है, जाति की पक्ष, वर्ण की पक्ष, आश्रम की पक्ष, देश की पक्ष, ये सभी एक प्रकार से उसे क्रिया को दूषित बना देते। तो इन सब बातों से सावधान आदमी तभी रह सकता है कि वास्तव में एकदम हृदय के बीच के वहां समझो कि जिसके निष्काम भाव है, रहित है, अहंकार रहित है, ममता रहित है, आसक्ति रहित है, कामना रहित है, इन दोषों से जब रहित है तो उसकी तो क्रिया स्वतः ही उच्च कोटि की हो जाती है। इनका भीतर में दोष रहते हुए निष्काम कर्म होता है, किंतु एकदम निष्काम नहीं, कहीं न कहीं दोष आ ही जाता है। तो इस विषय के बीच के वहां मनुष्य को सावधान भी रहना चाहिए, और भीतर का जो भाव है उसको उच्च कोटि का बनाना चाहिए। भाव के सुधार से क्रिया का आत्म सुधार हो जाता है, और क्रिया के सुधार से भी भाव का सुधार होता है, वो सर्वथा अच्छी प्रकार से नहीं होता। और भाव के सुधार से क्रिया का सुधार परिणाम हो जाता है, और क्रिया का सुधार न भी हो, कहीं हमारी भूल भी हो जावे, तो वो हमारे लिए माफ यानी हमारे लिए छूट है, उसका कोई बुरा असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता। तो भीतर का उच्च कोटि का भाव बनाना चाहिए, यही बात प्रधान है। हृदय के भीतर के बीच के वहां ये जो दूषित भाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, ये एक प्रकार से भीतरी ये दोष घुसे रहते हैं, जिस स्थिति उसकी क्रिया अपने आप ही एक प्रकार से खराब या दूषित हो जाती है। हर एक आदमी को अपने भीतर को भाव उच्च कोटि को बनाना चाहिए। वो यदि भाव आपको उच्च कोटि को हो जावे हो, और क्रिया में कहीं दोष भी आ जावे, तो वो दोष दोष ही नहीं। इससे नहं करतो भाव बुद्धि यसे न लिपते, हत्वा विषय मान लोकान न हंति न निबद्धते। इताध्याय 18 श्लोक 17। इससे नहं करतो भाव, जिसके हृदय में मैं करता हूँ ये भाव नहीं है, कर्म के बीच में कर्तापन नहीं, या देह के बीच के मां अहंकार नहीं, और जिसकी बुद्धि स्वार्थ करके लिपायमान नहीं होती, ऐसा पुरुष सब लोगों को मार करके भी नहीं मारता है और पाप से नहीं बनता है। जैसे न करतो भाव बुद्धि जैसे न लिपते, जिसके मां मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसके वहां अहंकार का भाव नहीं है,
कर्तापने के अभिमान का भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि जो है समझो कि आसक्ति कर करके, ममता कर करके, स्वार्थ कर करके, कामना कर करके जो लिपायमान नहीं, हतवापी सहमान लोकम, हतवापी इन लोगों को मार करके भी न हमती, मार करके भी नहीं मारता, और न नहीं बदती, और न दोष से बंधता है। तो ये जो श्लोक है सांख्य की दृष्टि से है, किंतु बहुत उच्च कोटि का भाव है इसके। जैसे मुक्त संगो नहंगवादी दृतुसाह समझ विदो सिद्ध सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते, मुक्त संगो आसक्ति से एकदम रहित और अनहंगवादी और अहंकार का वचन नहीं बोलने वाला, जिसके भीतर में हैंग भाव नहीं है और वाणी में भी नहीं है, अंदर में नहीं होगा तो वाणी में भी नहीं आएगा, उत्साह समीप है और बड़ी दृष्टि से माने बहुत ही धैर्य से और उत्साह से समन्वित है, माने निपुण है, और सिद्धि और असिद्धि के मान निर्विकार है, कोई विकार नहीं होता जिसके कार्य की सिद्धि में और असिद्धि में। तो ऐसा जो करता वो सात्विक है, इसका फल जो है मुक्ति है। नियतम संग रहितम अराग द्वेष तय कृतम अपर प्रेम सुना कर्म ये तो सात्विक मुच्यते, ये सात्विक कर्म। सात्विक कर्म क्या? नियतम, नियतम मन शास्त्र भी, शास्त्र अभी कर्म तो करना ही नहीं, और नियतम संग रहितम और वो कर्म सो अपने ममता से रहित होना चाहिए, कर्ता अपने के अभिमान से रहित होना चाहिए, और अराग द्वेष है कसम और बिना राग द्वेष के जो किया गया है, और फल की इच्छा से रहित होकर के जो किया गया है तो वो अशो सात्विक है। तो जिसके मन कामना भी नहीं, जिसके मन आसक्ति भी नहीं और द्वेष भी नहीं, ममता भी नहीं, अहंकार भी नहीं और शास्त्र के अनुकूल कर्म है, तो वो निष्काम कर्म है। यानी इस जगह के मां सांख्य योग की दृष्टि से कहा है, किंतु निष्काम तो दोनों में ही है, सांख्य योगी की क्रिया में और कर्मयोगी की क्रिया में, निष्काम जो भाव है वो तो दोनों में ही है। कर्म योग को एक निष्काम कर्म आपने एक महावरों पड़ गए है, किंतु वास्तव के मां वो भी निष्काम ही है। तो किसी भी दृष्टि से आप करें, चाहे सांख्य की दृष्टि से करें, चाहे योग की दृष्टि से करें, चाहे अपना माने सब कर्म, अपने सारे कर्म चाहे प्रकृति में छोड़ दो और चाहे परमात्मा में छोड़ दो, एक ही बात है, प्रकृति में छोड़ लो सांख्य योग की दृष्टि है, परमात्मा में छोड़ लो एक प्रकार से भक्ति योग की दृष्टि है, और भक्ति योग जो है कर्म योग है वो एक ही है, एक में भक्ति प्रधान कर्म योग है, एक कर्म प्रधान कर्म योग है, वास्तु के बीच के वहां बात एक ही है, कर्म प्रधान के बीच के वहां निष्काम भाव तो सब में है ही, और भक्ति प्रधान के वहां ईश्वर को संबंध जोड़ दी जावे तो भक्ति प्रधान हो जावे, तो कर्म प्रधान से भक्ति प्रधान और भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए इन किसी भी दृष्टि से हो, हम लोगों को कर्म के बीच के वहां अपना निजी स्वार्थ या और अपने कुटुंब का स्वार्थ, वो भी निजी स्वार्थ है, या अपने देश का अपनी जाति का जो स्वार्थ वो भी एक प्रकार से स्वार्थ है। तो कोई प्रकार को स्वार्थ नहीं आना चाहिए, कोई प्रकार को अभिमान नहीं आना चाहिए, अपने कुटुंब को अभिमान, जाति को अभिमान, बल को अभिमान, धन को अभिमान, देश को अभिमान, वर्ण को अभिमान, कोई भी प्रकार को साथ के मां अभिमान है, या कोई भी प्रकार साथ के मां स्वार्थ है, या कोई भी प्रकार से थी उसके बीच के मां हृदय के मां दोष है, तो वो कर्म दूषित हो जाता है। तो सब प्रकार के दोषों से जो रहित है, निर्दोष जो कर्म है, वो एक प्रकार से उच्च कोटि को कर्म है। ऐसा एक उच्च कोटि को कर्म महात्मा पुरुषों से तो वही है, और साधक से भी हो सका है, फिर वो शीघ्र ही महात्मा हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यावर राम चंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की जय। राम कृष्ण की जय।